दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन में यूआई कलर कैसे चेंज करें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, और दोस्तों यहां पर आपको जो कलर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहां पर जो आपको डाटा के ऊपर कलर देखने को मिल रहा है, या फिर दोस्तों यहाँ पर लिखावट के सामने जो यहाँ पर आपको बिंदु जैसा नज़र आ रहा है, जो एनिमेशन है उस पर आपको जो कलर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसी को कहते हैं यूआई कलर। ठीक है, तो इस कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं, कोई सा भी कलर यहाँ पर कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, कोपो, कोई भी फ़ोन हो, तो दोस्तों सेटिंग सेम होती है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर नहीं मैनेज कर पाते हैं तो दोस्तों आखिरी तरीका मैं आपको बताऊँगा, उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप उस सेटिंग से भी आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, दोस्तों यहाँ पर कैसे यहाँ पर आप यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर प्रेस कर लेना है इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी कमेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पर जितने भी कमेंट्स हो गए, कितने भी डाउट हो गए, सारे क्लियर किया जाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाइएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऊपर की साइड में थीम वॉलपेपर और नीचे आपको यूआई कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यूआई कलर के ऑप्शन पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर यूआई कलर हैं, चाहे तो दोस्तों आप इनको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर यूआई कलर है वो चेंज हो चुका है, देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूआई कलर हैं, यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो दोस्तों आप इन सारे को ऑफ कर देते हैं, और जो आपका फ़ोन में रहता है उस वाले को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी कलर को यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से, यानी कि इस नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे तो वो कलर गायब हो जाएंगे। अगर आपको लगाना है कलर, तो इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और जिसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चॉकलेटी जो भी है, जो भी कलर है, जो भी आपको कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये रख दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं अब सेटिंग भी, यहाँ पर जो सेटिंग में ऑप्शन आते हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं यूआई कलर जो यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट तरीका ये है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सेटिंग्स नहीं मिलती है, तो यहाँ पर सर्च बार में जाएगा, और सर्च बार में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है यूआई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है यूआई। जैसा दोस्तों यहाँ पर यूआई सर्च करेंगे तो दोस्तों उसी सेटिंग के ऊपर आप आ जाएंगे, कोई सा भी मोबाइल हो, सर्च बार सभी में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।